इस देश में अब कोई मायका लाल पैदा हुआ है जो सीए को खत्म कर सके? सीए को हटाइबार दम कहार अच्छी देश विदेश जेते शक्ति एकाठी कले भी हटिबनी सीए षाठी वर्ष रु अधिक कालर शासन रे देश को सांप्रदायिक नियारे जला जाइछि। सीए को हटाइबार प्रयास को नहीं विरोधी को मोदी को खोला चैलेंज देशरु सीए को हटाइबा को चेष्टा करूथिबा बा यहाँ विरोध रे भूल मंतव्य देउथिबा विरोधी को खैर नहीं। सीए को हटाइबा को दम कहार अछि? सात दशक धरी देश में सांप्रदायिक निया चलाई आसिछंती देश में दुई गोष्ठी मध्य लड़ाई कराई देश को विभाजित करिछंती एबे मोदी एपरी देश विरोधी मुखा खोली। आज उत्तर प्रदेश लालगंज में सीए विरोधी इंडी गठबंधन को खोला चैलेंज करिछंती प्रधानमंत्री मोदी। ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई मायका लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? ये देश की जनता जान गई है, देश का हर नागरिक जान गया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके हिंदू मुसलमान को लड़ा लड़ा करके और सेक्युलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है। जेते शक्ति एकाठी करिबार अछि करि दियो तथापि सीए को हटाई पारिबो नाही यहाँ मोदी ग्यारंटी। अनेक वर्ष धरी भारत अनाथ परी रही आसुवा शरणार्थी को देश में नागरिकत्व सम्मान मिले देश से सबुदिन आपणाइबार समस्त प्रस्तुति आरंभ हो सारी एथिरे केही बाधा दे पारे ना। ये मोदी की गारंटी है। देश विदेश कहीं से भी जो भी ताकत इकट्ठी कर लिए कर लो, मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो। आप सीएए नहीं मिटा पाओगे। चलित वर्ष 11 मार्च रे सारा देश में लागू होइतिला सीए आवेदन प्रणाली जिला स्तरीय कमिटी और राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त कमिटी द्वारा जांच परे नागरिकता प्रमाण पत्र बंटन व्यवस्था होइतिला। तबे आईन लागू हेबा परे प्रथम थर पई मे 15 रे 14 शरणार्थी को मिलिछि भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र। यहाँ सहित पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान रु आसिथिबा प्रतारित अण मुस्लिम प्रवासी को भारतीय नागरिकता प्रदान प्रक्रिया आरंभ होइछि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।